बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या कल का पेपर कैंसिल हो चुका है और नाइन्थ क्लास के जितने रिमेनिंग पेपर्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं? इस हवाले से फाइनल अपडेट्स आ चुकी हैं और मुल्क भर के अंदर तमाम तलीमी इदारे बंद हो चुके हैं। इसका बकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सिर्फ 10 तारीख को ही तलीमी इदारे बंद रहेंगे, बल्कि मुल्क भर के अंदर तलीमी इदारे उसके बाद खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इस हवाले से तफसीलात जल्द जल्द आ जाएंगी। यहाँ आपको बताता चलूँ कि कल का पेपर कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ, इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, गुजरांवाला और इसके साथ साथ पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं वहाँ पर कल का पेपर शेड्यूल के मुताबिक लिया जाएगा। आपका जो पेपर है तर्जमतुल कुरान का और जो बाकी पेपर्स हैं वो अभी फ़िलहाल शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। कोई भी आपका पेपर जो है वो कैंसिल नहीं किया गया, लिहाजा आप लोग अपनी तैयारी करें और अपनी तैयारी करें और पेपर अच्छे से देख कर आएँ। बाकी अगले जो आपके पेपर्स हैं उनका फैसला जो है वो देखा जाएगा कि अगले दो दिन मुल्क भर के अंदर हालात कैसे रहते हैं। सो प्लीज़ आप लोग फेक न्यूज़ पे ध्यान मत दें। पेपर कैंसिल नहीं हुए, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर कह रहे हैं कि भाई पेपर कैंसिल हो गए हैं, लाहौर के अंदर हो गए हैं, फैसलाबाद के अंदर हो गए, कहीं भी पेपर अभी कैंसिल नहीं हुए और ना ही कल का पेपर कैंसिल होगा। कल का पेपर आपका शेड्यूल के मुताबिक होगा। सो अपना ध्यान रखें और तकरीबन एक डेढ़ घंटा पहले एग्जाम सेंटर के अंदर पहुँच जाएँ, क्योंकि मुल्क के अंदर हालात ख़राब हैं, हो सकता है कि आप लोग लेट हो जाएँ और आपका पेपर आ जाए। सो अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपने पेपर की अच्छी तैयारी करें और अच्छा पेपर देकर आइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट हम आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी।